नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी संविदा भर्ती निकली दोस्तों, जिसके आवेदन दिनांक 12 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस हम बताएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं तो हम इसमें लाइव आपको आवेदन करके बताएंगे कि आप जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी बताएंगे, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी पोस्ट है, कहाँ से देख सकते हैं, सभी जानकारी बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपको चैनल सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया नहीं देना। तो चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की हमारी वेबसाइट पर आना होगा, जिसका नाम है गोवर न्यूज 24। जैसे आप गोवर न्यूज 24 पर आते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉलो करने का एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की ई गवर्नेंस भर्ती 2024 को देखने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको A to Z जानकारी देंगे, पूरी बारीकी से जानकारी दी जाती है हमारे वीडियोस में। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वगैरह स्किप करें। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों जिलों की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षकों के पदों पर सूची तैयार करने तो नियमावली है। ठीक है, समस्त पदों पर स्थापना संबंधित जिलों की ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। पदों का विवरण तथा आवेदन की न्यूनतम अर्थात योग्यता निम्नानुसार है। पद की अगर बात करें तो सहायक गवर्नेंस अन्य पद, आवेदन की प्रारंभिक तारीख इसकी आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 12 नवंबर 2024 से, लास्ट डेट इसके कब है 1 दिसंबर 2024। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल पदों की संख्या तो इस ठीक है आयु सीमा की अगर हम बात कर सॉरी चिन्हित किया गया कौन कौन से पद चिन्हित किए गए हैं दोस्तों, तो इसमें जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक के पद चिन्हित किया गया है, वरिष्ठ प्रशिक्षक के हैं, प्रशिक्षक के और सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो सभी पदों के लिए आयु सीमा 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। पदों को स्थायी निवासी, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए निम्न सवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मतलब इसमें सभी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये भी जानकारी आपको देंगे। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो BI कंप्यूटर साइंस, BTech कंप्यूटर साइंस, IT, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस में अनारक्षित OBC आवेदकों को हेतु 60% तथा ST SC आवेदक हेतु 50% स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10वीं और 12वीं की अनुसूची आपको लाना है। पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी पर लागू हो रहे हैं वो लाना है। गेट स्कोर कार्ड देना है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र देना है यदि लागू हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। जाति प्रमाण पत्र देना है आपको, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो देना है। सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक में आपको 35,000 रुपये प्रतिमा दी जाएगी, वरिष्ठ प्रशिक्षक के लिए आपको 35,000 दी जाएगी, प्रशिक्षक के लिए आपको 30,000 रुपये दी जाएगी और सहायक गवर्नेंस प्रबंधक के लिए आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें आपको मेरिट सूची के आधार पर आपकी जो है वो सिलेक्शन आपकी प्रोसेस रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाना है। उम्मीदवार को इसमें अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, ऊपर दिख रहा बैनर पर क्लिक करना है जिसमें जिला ई गवर्नेंस भर्ती आवेदन लिखा है। पूरी जानकारी पढ़ने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई डिटेल भर देना है, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। ठीक है, अगर ये आवेदन आपको करते नहीं आ रहा है, खुद से आवेदन कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका आवेदन भर देंगे। ठीक है, लाइव अगर आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम लाइव आपको आवेदन भरकर बताएंगे पोस्ट वाइज डिटेल। ठीक है, वो कहाँ किस जिले में कितनी पोस्ट है वो देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई पेज ओपन होगा जिसमें PDF, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मध्य प्रदेश के सभी 52 डिस्ट्रिक्टों में यह भर्ती निकली है। ठीक है, सभी जानकारी आपको नीचे देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी A to Z। ठीक है, हरदा यहाँ पर जैसे हमारा जिला जो हरदा है इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें भर्ती का पद देखने को मिल रहा है।
टोटल यहाँ पर आपको पोस्टें दी जाएगी, टोटल 165 पोस्टें हैं, 14 पोस्टें हैं, 16 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें हैं, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी सभी कैटेगरीज के अलग अलग हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है आपको और आपके सामने जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की ई सोसाइटी ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक सहायक प्रबंधक प्रबंधकों वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती अर्हता सूची, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे आप हमारा जिला ई गवर्नेंस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है सर ई सर्विस mp.gov.in पर आप एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ देर वेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ई गवर्नेंस सोसाइटी के विभिन्न पदों पर संबंधित जानकारी, यहाँ से आप भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हटाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी संविदा भर्ती, और इस पर आवेदन करें पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले इसमें आपकी एक आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के बाद इसमें आप अप्लाई अपनी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आपको भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको जो पीडीएफ प्राप्त होगी उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ को सेव कर लीजिए आगामी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कुछ आप इस प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हैं इस पर। तो हमने जो प्रोसेस आपको बताया, अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिला ई गवर्नेंस की जो भर्ती है वो पहले भी आई थी और आप सभी ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि सर हमको इस भर्ती की जानकारी जब भी आए जब दीजिए, तो अब ये भर्ती निकल चुकी है। आप सभी ने अभी तक जितने भी कमेंट किए उन सभी के ध्यान में रखते हुए हमने इस भर्ती की जानकारी आपको दी है, और ये भर्ती कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कल ही इसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।